सो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो पर। और बताओ कैसे हो, आपके एग्जाम कैसे जा रहे हैं? मेरे अकॉर्डिंग तो आप बढ़िया हो गए, बस थोड़ा सा बोर हो गए होगे, थोड़ा सा थक गए होगे पढ़ाई कर करके। तो कोई बात नहीं, इतने दिन से हम पढ़ रहे थे, तीन चार एग्जाम और बचे हुए हैं, उसके बाद तो हमारे मजे ही मजे हैं। सही बात है। और रही बात आपके एग्जाम की, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपके एग्जाम भी एक नंबर जा रहे होंगे, क्योंकि जब मैंने आपसे इंस्टाग्राम पर पूछा हुआ था तो आप सभी की तरफ से काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहां से आया था कि हमारे एग्जाम काफी अच्छे जा रहे हैं और काफी अच्छा स्कोर उसमें कर जाएंगे। तो अच्छी बात है, आपके आगे के भी एग्जाम अच्छे ही जाए और काफी अच्छा स्कोर आप करें, और आपका जो रिजल्ट आएगा वो तो फिर आपको शो कर ही देगा कि आपने कितना अच्छा वहां पर किया है। और बधाई हो आपको कि इस बार एमपी बोर्ड के एग्जाम पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो काफी इजी आ रहा है। आप खुद पेपर देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा होगा कि इस बार के जो एग्जाम पेपर आ रहे हैं वो काफी ज्यादा इजी आ रहे हैं। अब एग्जाम पेपर इजी तो आ रहे हैं, बट ये कहाँ से फंस रहे हैं, आपके मन में ये डाउट तो होगा। गुड क्वेश्चन। तो इसी के बारे में अपन वीडियो में बात करेंगे। और हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से कहाँ गायब हो गया था, तो मैंने आपको बताया था कि जिस दिन से आपके एग्जाम स्टार्ट हुए थे उसी दिन से मेरे भी एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। तो मेरे तो एग्जाम खत्म हो गए, बट आपके अभी खत्म नहीं हुए हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि आपके जितने भी एग्जाम बचे हुए हैं वो काफी ज्यादा अच्छे जाएं। तो जितनी भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैंने सोचा कि वो मैं आपको बता दूं। और आप सभी की तरफ से काफी डिमांड आ रही थी कि जितने भी अभी तक हमारे पेपर हो गए हैं उसको एनालिसिस करके एक वीडियो बनाई जाए कि हमारे जो एग्जाम पेपर डिजाइन हो रहे हैं उसका मैक्सिमम वेटेज कहाँ से आ रहा है। परीक्षा बोझ से आ रहा है, परीक्षा अध्ययन से आ रहा है, या फिर क्वेश्चन बैंक से आ रहा है। तो इन्हीं सभी के बारे में अपन वीडियो में बात करेंगे। और इस बार के क्वेश्चन पेपर में आप देख रहे होंगे कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं। फिजिक्स के पेपर में भी हुई थी, कुछ हिंदी के पेपर में भी हुई थी, उसमें ऐसा हो रहा था कि जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपके आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। उसमें ऐसा हो रहा है कि काफी क्वेश्चन आपके ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे हैं, आपके सिलेबस के बाहर आ रहे हैं, तो उसके आपको नंबर दिए जाएंगे या फिर नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ तो आपने पढ़ी नहीं है और एमपी बोर्ड ने आपको मना कर दिया था वो पढ़ने को। तो उसके नंबर आपको दिए जाएंगे या फिर नहीं दिए जाएंगे, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कन्फर्मेशन दे दूंगा, यानी कि मैं कन्फर्म करके आपको बता दूंगा कि उस वहाँ पर आपको बोनस नंबर दिए जाएंगे या फिर नहीं दिए जाएंगे। अब देखिए, आज की वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं कि अभी तक के आपके जो एग्जाम पेपर है वो कहाँ से आ रहे हैं, यानी कि जो आपके एग्जाम हो गए हैं अब उनके बारे में तो आपको सोचना नहीं है अब आपका अच्छा जाए या फिर बुरा जाए। अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो आपका टाइम खराब होगा। बट आगे जो हमारे एग्जाम बचे हुए हैं, हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे पुराने एग्जाम कैसे भी गए हों, जितने भी अभी तक हमने दिए हैं, बट आगे जो हमारे एग्जाम है वो इससे भी अच्छे जाने चाहिए, तभी आपका परसेंटेज इंप्रूव होगा। तो आपको ये काफी ज्यादा जानना जरूरी है कि आपका जो एग्जाम पेपर वो कहाँ से डिजाइन हो रहा है, क्वेश्चन बैंक से हो रहा है, परीक्षा बोर्ड से हो रहा है, या फिर परीक्षा अध्ययन से हो रहा है, जिससे कि अगर आप आगे की तैयारी करें, आगे के एग्जाम की तैयारी करें, तो कहाँ पर ज्यादा ध्यान देकर आपको करनी चाहिए। फर्स्ट नंबर पर बात करें क्वेश्चन बैंक की, कि क्वेश्चन बैंक से आपका कितना पेपर फंस रहा है। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था क्वेश्चन बैंक में से इतना जरूर से आ जाता है कि आप पास आराम से हो जाओगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ी है, तो आप पास यहाँ पर आराम से हो जाओगे। अगर बात करें परसेंटेज में, तो मैं आपको बताऊँ 60-65% आपका पेपर क्वेश्चन बैंक से ही आ रहा है। उसके बाद अगर बात करें कि सबसे अच्छा सोर्स क्या है, जहाँ से हमारा पेपर फंस रहा है, जहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊँ, ये आपके पास परीक्षा बोर्ड तो होगी और परीक्षा अध्ययन भी होगी। और इस बार के आपके एग्जाम पेपर काफी ज्यादा इजी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया था, बुक्स आपकी चेंज हो गई थी। सो स्टूडेंट, अगर आपको भी पढ़ाई करते टाइम आते हैं डाउट, तो यहाँ पर परेशान मत होइए, आपके सारे डाउट का आंसर देगा आपको डाउट नट। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है उसका फोटो कीजिए, उसको क्रॉप कीजिए, और विद इन 5 सेकंड आपके सामने उसका आंसर आ जाएगा, वो भी फ्री में। अब आप पूछ सकते हैं अपने कितने भी डाउट कभी भी और कहीं भी। अब आपका डाउट कहीं का भी हो, 6ठी से 12वीं तक का, IIT का, JEE का, नीट का, या फिर CBSE का, बिहार का, या फिर अदर स्टेट बोर्ड का, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पर मैटर नहीं करता, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, साइंस, आपके सभी डाउट का आंसर दिया जाएगा डाउट नेट ऐप पर। अभी इस ऐप पर कंडक्ट हो रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर्स, तो इनको पढ़ के भी आप अपने जो परसेंटेज है उन्हें इंप्रूव कर सकते हैं 9th से 12th तक, और अपनी IIT JEE की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन लेक्चर्स का फायदा उठा के अभी तक काफी बच्चे अच्छे परसेंटेज गेन कर चुके हैं, तो आप भी जरूर से ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन से काफी हद तक पेपर आपका आ रहा है, ऑब्जेक्टिव वगैरह मैक्सिमम आपके यहीं से फंस रहे हैं। तो अगर आप बात करें आगे की तैयारी, क्योंकि आगे की तैयारी हमें कहाँ से करनी चाहिए, तो परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन, इनमें एक सबसे अच्छी चीज होती है आपके पास, वो होते हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आपने देखे होंगे परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन अगर आप यूज कर रहे होंगे, तो क्वेश्चन के नीचे आपके ईयर मेंशन रहते हैं, वो क्वेश्चन आपके ज्यादातर रिपीट हो रहे हैं और अभी तक के आपके वही क्वेश्चन आ रहे हैं, आप मैच करके देख सकते हैं। तो अगर आप आगे की पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं अपन, उनकी बुक्स चेंज हो गई है, बट बाकी जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं उनकी बुक्स आपकी चेंज नहीं हुई थी, वो आपकी NCERT थी। और जो आपकी परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन है, वो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम प्रिंट हो रही है, 2019 से वही उन्हीं बुक के ऊपर वो प्रिंट हो रही है। तो परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास टाइम कम है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो कोशिश कीजिए कि पर चैप्टर आप वो क्वेश्चन जरूर से करके जाइए जिसके नीचे ईयर मेंशन है, क्योंकि पूरे चांस बन रहे हैं कि वही क्वेश्चन आपके आगे रिपीट हो सकते हैं। तो सीधी सी बात, अपन यहाँ पर क्या देखें कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपके पास नहीं हो तो, इसमें से आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। और इस बार आप देखेंगे फिजिक्स का पेपर आप उठा के देखेंगे तो प्रीवियस ईयर से काफी ज्यादा जो क्वेश्चन है वो ऐसे के ऐसे आ गए हैं। तो अगर आप आगे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इनमें से आप जरूर से पढ़ के जाइएगा, हो सकता है कि इनमें से आपके क्वेश्चन आ जाए।
आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम आपने भी दिया है और पढ़ाई भी आपने ही की है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपने कहाँ से पढ़ा, वहाँ से कितना क्या आया, तो ये सब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एग्जाम से जुड़े हुए कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा, क्योंकि मेरा एग्जाम खत्म हो गया है, मैं आप कोशिश करूंगा कि आपके हर एक डाउट पर वीडियो कवर करके जरूर से दूँ। और रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कहोगे कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊँ, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीम्स हैं, काफ़ी कम टाइम है, कॉमर्स स्ट्रीम भी है, साइंस भी है, मैथ भी है, आर्ट्स भी है, ठीक है, तो इन सभी के ऊपर अगर मैं वीडियो बनाने बैठूंगा तो काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा, यानी कि जितने में मैं आपका वीडियो नहीं बना पाऊंगा उतने टाइम में आपका एग्जाम सामने आ जाएगा। तो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया है, परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन, उनमें से आप ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिए, ईयर जिन पर मेंशन है वो क्वेश्चन आप छोड़िए मत, क्योंकि वो आपके आ सकते हैं, तो यही सब आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हो, इसमें से भी आ जाते हैं, कुछ नहीं पढ़ा है आपने तो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आंसर आप करके जाओ, आप पास आराम से हो जाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके नहीं रखा है तो वह जरूर से करके रखिएगा, क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं से आते हैं तो वो मैं आपको वहीं पर PDF पोस्ट कर देता हूँ।